चल दर्शन हो गए बढ़िया भाई, अब चलते अपने। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राम राम आप सभी को। एक नए व्लॉग में आप सबका फिर से स्वागत है और मैं रेडी वेडी होके ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। थोड़ा सा लेट हो गई, लेट क्या हुई, एकदम से प्लान बन गया। हम जा रहे हैं चुलकाना धाम, जो बाबा श्याम जी का मंदिर है। पहली बार जा रहे हैं सोनीपत के, जो श्याम बाबा का जो दरबार है ना, उस पर तो हम दो तीन बार जा चुके हैं, बट वहाँ पहली बार जा रहे हैं। मम्मी को जाना था तो सोचा मैं भी चली जाती हूँ साथ में, मैं भी दर्शन कर लूँगी, पहली बार जा रही हूँ। तो सब गाड़ी में बैठ चुके हैं बाहर, मेरा ही वेट कर रहे हैं। मैंने कहा मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करके अभी आती हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है तो। और हम मैं पहली बार वहाँ दर्शन करने जा रही हूँ तो आपको भी बहुत अच्छे से दर्शन कराएंगे। वहाँ दो तीन चीज़ें हैं जो सुनी है हमने, कि वो पीपल का पेड़ है जिसमें उन्होंने अपने तीर से छेद किए थे, उसमें अभी भी कई पत्तों में वो छेद दिखते हैं। तो देखते हैं वहाँ पर कैसे क्या रहता है, मुझे भी नहीं पता, मैं कभी नहीं गई नहीं। तो मैं भी दर्शन करूंगी और आपको भी दर्शन करवाऊंगी। तो सबसे आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं चली जाती हूँ वरना मेरे को फिर सुननी पड़ेगी कि लेट करा दिया। मैं सूट दिखाना तो भूल ही गई भी अपना पूरा, ये मैंने अपना नया सूट डाला है, मतलब दूसरी बार डाल रही हूँ। शादी में डाला था, जो मेरे कज़न की शादी थी अभी बुआ के लड़के की, मैंने बताया मैं वहाँ कोई फोटो वीडियो नहीं बना पाई थी, तो मैंने उस शादी में डाला था ये सूट। तो मैंने सोचा आज मैं यही डाल के चलती हूँ। गाने बंद कर दो ना। कहाँ से चलोगे? जीटी रोड पर रास्ता नहीं होगा है ना, वहाँ से थोड़ा दूर भी पड़ेगा। सही है, पानी पानीपत में है, प्रॉपर है, पानीपत से पहले है। जाड़े से मार के दूर है। अच्छा यस, आप जा रहे हो और मम्मी पहला है, इसमें नहीं जा रहे आप भी, सोनीपत आड़े में जा रहे हैं ना। निकल गए अभी हम घर से, और जो कौन सी नहर का आकर ही नहीं जित कम जाओ बस नहीं के जाओगे नहर का तो मन में की मेरे कौन सी नहर का अगर रोड बंद के बीच में नहरा आप पकोते नहरा मैं जाएंगे चल नहरा नहरा के बगैर रोड बना रखे हैं वो तराऊंगे नहरा पर तराऊंगे चलो ना का ये आज तो नहर में का है मैं नहर में ना नारी जब पता नहाऊंगे आज तो देखियो ये कभी टूट रहा है मटगाड़ो इसका ट्रक का सारे टूटे उड़ा आज सारे इसे फिटेंगे क्यों फिटेंगे सारे इसे आखिर दो तो जा लिए एक तो ट्रैक्टर है के ट्रक रास्ते में ना चलते चलते कि बड़े बेर आना थोड़ी रुकी मैंने ये बना दो देख ली कुछ लद रहे थे उस पे वे बेर नरे बेर लाग रहे थे नहर के बीच वाला रोड ना बंद कर रखा है वो ज्यादा इस पर इतना ट्रैफिक हो रहा है यो सारे साथ नहड़े के लिकड़े हैं ये ट्रक रा दे वे ना हमारे तक दो तीन गाड़ी थी वे जा दी तीन इसके आगे एक और है एक और भी है उसके आगे छोटा थी तीन चल रहे हैं ये कितना ट्रैफिक चल रहा है इन्होंने तोड़ दिया रोड ध्यान दे कितनी जबरदस्त चल रही है हवा आज बनी तेज है हाँ देखिए रेत क्यों करुड़ता जा है हाँ। रात ने बारिश भी ताई थी हल्की फुल्की दिल्ली में तो बढ़िया बारिश हुई है ट्रैक्टर था छोटा थी गए इन्हें तो मुझे साइड में से छोटा हाथी दिख रहा था ये छोटा हाथी है बेटा देखिए यार गर्दार रेत है और चढ़ गए नहर आले रास्ते पे यो बढ़िया रास्ता पाओगा ना यो तो बढ़िया रास्ता है ये ऑलमोस्ट ट्रैफिक भी आ रहा है इस रोड पे भी पाओगा क्योंकि जीटी रोड बंद है ना बंद को ना चालू है हाँ। ये पानी भी सही आ रहा है सर्दियों में तो बढ़िया रहा है
देखिए राजी हो रहा है पकड़ ले दादी को कदम मुंह जाके आगे लग गए। हाँ। हम कहाँ जा रहे हैं? मंदिर ने मैं नहीं बोलता न का गन है मंदिर ने नवे नवे लपदा तरीके सोने चंगे नहीं जो कर दस लीके सोने जदल दिता तेन हर चमवे ने देव दुकान रही पकोड़े मशहूर है रात आना खवा दियो रात आना खवा देंगे इधर रोटी खा कर रहे हैं ये रास्ता जाता है भाई कौन सी जा है बताओ यहाँ पे बाबा जिंदा हाँ बाबा जिंदे पे आसपास के लोगों ने सुना भी होगा ये बाबा जिंदे का रास्ता है और वो दुकान है पकोड़े के हैं ताऊ मलिक ब्रेड पकोड़ा फेमस है इसके कद भर आगे मम्मी इसका बेड़ा बाबा जिंदे का चैत में वो कद आओगा चैती में अच्छा नवरात्रा के बाद है दा कदे नदी में समा जा जब उधर रात बरात रंदे कुछ वो भी ना है ना मैं हां अगर कोई स्पीड में गया था अरे हां स्पीड में हो कोई तो सीधा ही तार देगा उधर हनी देखो कैसे पानी चल रहा है देखो पानी देखो से देखो यार खुबड़ू जाल जाल मतलब गांव का नाम है जाल मतलब ही ना जी तो पानी के बंद बंद हो रहे ना जाल का है अच्छा जाल अरे गांव का नाम है खुबड़ू अरे ऊ भी जे जो को मान ले बारिश आ जा तेज आ जाते तो पानी आड़े का आवा सीधा लेवल है कंट्रोल करने का आगे शटर लाग रहे हां कंट्रोल कर सकते हां शार्क भी हो सकती है इसमें और मगरमच्छ भी हो सकता है देखो नाले आई है दिनारा के वो ना जो तोत का है हां का सामान सीढ़ी नहीं मिली हां हवन का भी करना था भाई और भूले आप कैसे यो इसने बाइक वाले ने दिखाया रास्ता नु कानून का ले लो थोड़ा तो बंद कर रखे हैं ये बंद है ये लगा रखे हैं बैरिकेड्स लगा रखे हैं हेड ईस्ट ये गनोर पे तेज है गनोर में तेज चलना पड़ेगा है उल्टे है ये रास्ता बंद कर रखा है ये काम चल रहा है यहां पे पता नहीं ये रास्ता बना दिया आगे काम चल रहा था ये भी यहां से दिखाओ कोई रास्ता देखा हुआ मैप में चुलकाने का टर्न लेफ्ट देन मेक अ यू टर्न यहां से कितना लेफ्ट दिखाओ है अड़ तो किधर आए को ना भाई नहीं ये तो वहां से चले गए देखते हैं गलत तो नहीं आ गए इनका दिखा रखा है देखो कहते हैं यहां से यू टर्न कर लो इन 200 मीटर्स टर्न लेफ्ट देख के आगे भाई दिखे गलत आ गया क्या हुआ नहीं भूख लग रही है भूख लग रही है खाना क्यों नहीं खाया आपने घर पे अभी तो हम किसने बता था बाहर जावे हैं नु कह रहे कहीं होटल मिलेगा दुकान मिलेगी होटल में दुकान पे खाना है आपको ठीक है कहीं दिखेगी तो दिलवा देंगे कुछ ठीक है कुछ भी नहीं दिख रहा होटल दुकान अच्छा यहाँ खेता में तो होटल दुकान दिखेंगे अरे दिख रही पर सेम रही सर सेम रही क्या मानो ये भैंसों का चारा है नहीं भैंस यही खाती है मुझे पता है ओहो पता है तेरे को कितने छोटे हैं ये मेरी मेरी है और देखो साइड हो जाए गाड़ी आवे है ये देखो कितना छोटा सा पेड़ है सारे छोटे छोटे हैं और कितने बड़े बड़े पेड़ लग रहे हैं पहली बार देखी मैंने ये चीज वो हर पेड़ पे है और ये देखो कितने बड़े बड़े हैं देखो ये देखो तार लगा रखे हैं अरे आगे में चुलकाना गांव आ गए हो हर धाम भी यही पे है चुलकाना बाबा शाम का दिखता होगा कितने मंदिर दिख छोटी तो दिखी को ना कितने है ना यो मैंने दो लाख झंडा लाग रहा है दो लाख रहे झंडे हाँ वो दिखे ऑरेंज कलर का ना बड़ा चोखा बड़ा गांव है अभी नहीं दिखेगा बेटू बस अभी पहुंच गए वहां देख दो झंडा हां वो ही पाऊंगा क्या है नहीं क्या हो गया क्या जा रहा नहीं किसकी गैंग जा रही है ये भैंसों की कहाँ जा रहे हैं ये कहाँ जा रहे हैं ये घरों को तबाह करने घरों को तबाह करने कह रहा है ये झुंड देख कर वैसा करने का है ये तो पूरी गैंग आ गई इनकी ये तो शहर को तबाह करने जा रहे हैं नहीं और पूरी फौज को मारने जा रहे हैं पूरी फौज को मारने जा रहे हैं फौज को मारने जा रही है भैंसों की गैंग सुन लो इसकी बात क्या हो गया पहुंच गए भी यहाँ से गाड़ियां लगनी शुरू भीड़ पाओगे चौकी है पास थे वो रहा सामने मंदिर का द्वार
वो झंडे दिख रहे होंगे आपको वहां पे है। प्रसाद ले लिया भाई, ये हो गई जोत तैयार। हाँ दिला देंगे, मेरा गुना था प्रसाद ले लिया भाई, चल दर्शन करने यहाँ एंट्री गेट। यो है मेन द्वार बाबा श्याम का, उतार दो अब इसको नीचे। हाँ नहीं हाँ ये रोड़ी चल जाएंगी है पत्थर। जय हो बाबा श्याम की जय। चलो बहुत बड़ा मंदिर है भाई, पहली बार देखा सही में बहुत बड़ा है। ये पूरी भीड़ लग जाती होगी यहाँ, ये सारी रेलिंग सब कुछ भर जाता होगा। और अभी मेले की भी तैयारी चल रही है, शायद होली पे ना मेला लगेगा यहाँ। बहुत बड़ा मंदिर है, नहीं मंदिर में का बहुत बड़ा है। जाना किस साइड से है? अच्छा वो पीपल का पेड़ भी देखना कहाँ पे है, पूछेंगे किसे पे पेड़ पीपल का। हाँ ये नहीं है। हाँ ये गणेश जी की मूर्ति, ये री वेद लिखते हुए गणेश जी, जबरदस्त मंदिर बना रखा है। हाँ देख लो, हाथ लगा के देख लो, जाओ टच कर लो, जाओ चलो भी। इस बढ़ता के लिखा है ना पीपल का, तो देखो ऊपर गए वो पाओगा। जबरदस्त मंदिर बना रखा है भाई। हाँ है ना, पहुंच गया भाई बाबा श्याम जी के दरबार। गया भाई, आप सब ने भी करवा दर्शन। भीड़ लाग रही है भाई, है ना, देखियो आगे की भीड़ है। नहीं देखे कि चढ़ रहा है रेलिंग पर, नहीं ओ यानी चप्पला ना दिमाग लगा के इधर कर दे, कुछ साइड में रे कुछ साइड में दूर दूर ठीक है। हाँ अलग ही जोत लगा दो, चलो एक मिनट देता हूँ। ये देखो अच्छा अच्छा इसमें पापा नहाते हैं, बढ़िया बना रखा है मंदिर तो भाई, इसमें कोई शक नहीं है कि नहीं, है ना। हाँ ये हो पीपल का पेड़ भाई, बाबा ने अपने तीर से वो सारे पत्तों में छेद किए। हाँ जूम करके दिखाते हैं, छेद दिखाएंगे चलो, वहाँ पास जाके देखते हैं। बस देखो यहाँ दिख रहे हैं क्लियर हर एक पत्ते में छेद। हाँ पकड़ना, जूम करूंगी एक बार पकड़ना, हर पत्ते में छेद है। मम्मी कित गई, मम्मी कित है, वो रही वही है इस साइड। अच्छा परिक्रमा करती हो। हाँ बांध रखे है, वो पालतू है ना, वो बांध रखा रस्सी के लिया ये भाई ने। हाँ
ताई ने दिया इसे संतरा, देखा है खाओगा कि नहीं खाओ, संतरा दिया है छे देखने लागी दी। अच्छा चल दर्शन हो गए बढ़िया भाई, अब चलते अपने घर की तरफ। क्या ढूंढ रहा है नी, क्या ढूंढ रहा है? गणेश जी को देख रहा है, फिर से आ गया भाई। अच्छा चलो वहां भी जाऊंगे किसी दिन, करेंगे दर्शन। हाँ मम्मी तो गई थी भाई, दोनों जगह चल लेंगे। यो अपने खिलौने के ऊपर कूद रहे भाई, ठीक है खिलौने दिख रहे आगे, कितनी गनी इकट्ठी कर रहा है यार है? हाँ ना अभी पसंद करेगा बहुत देर में ये कर, देखो जल्दी देखो क्या लेना है, ठीक है इसको समझ नहीं आ रहा कुछ। बांसुरी है ये, पेंसिल है ये, इतनी बढ़िया है, इतनी बढ़िया आप क्या करोगे, दूसरी ले लो और कुछ ले ले, चल और कुछ ले। रेजर क्या लेके आया हनी, दिखाइयो के ले आया है मियो, क्या है ये, के यो इरेजर है ये, और क्या लेके आए, ले आया सारी एनिमल सेट। अच्छा निकल चल, यो भी शुक्र है जब वो गन्ना पाई, इसने गन्ना ली ना, नरी गन कर रहा है, ठीक हो गया। जय हो बाबा शाम के भाई, निकल ले यार, बढ़िया तेरा दर्शन हो गया है। और पार्किंग यहाँ पेड़ पार्किंग भी है भाई, यहाँ 50 रुपए की ले रहे हैं, 50 रुपए पेड़ पार्किंग में, सेफ गाड़ी खड़ी हो जाए ना, मनमाना साइड में लगा जाओ, मनमाना को छोड़ जगह आता जाता है, बहुत हाँ बहुत बढ़िया दर्शन हो गए भाई। अरे पहली बार आए थे, रिवनू है बुलाया जाएगा बाबा, तो आए जाएंगे हम, इब अगली बार देखेंगे कि भी खाटू शाम का भी बन जाए प्रोग्राम जल्दी है। होली तो पहले ना जाइए, जाना ही नहीं, होली तो बाद में सारी भीड़ हो जाएगी, और हां तो नहीं जानी पाओ में, हां होली के बाद देखते हैं अभी खाटू शाम पे। बाकी वो पीपल का पेड़ नु देखन होया कि हां भी देख लो, अब तक छेद है, यहां का साइंस फेल हो जाए देख लो, है कितने इतने साल पुराना पेड़ है पीपल का, मतलब बता भी नहीं सकता कि कोई, अब आप खुद देख लो महाभारत के टाइम पे कृष्ण भगवान, मतलब ये पेड़ साक्षी है भगवान के, कृष्ण भगवान के और बाबा श्याम के उस बलिदान का, यो पेड़ साक्षी है देख लो, है यो पेड़ था उस टाइम पे, रास्ता खुजली करने लग रहे भी देख लो पहला एक बार, खित का काट देगा तो गए अमीर ऑफ रोड रास्ते पे, देखो कितना कितना तो काट देगा ये, और जान लग रहा है जाऊंगे नहर में ले लूं। हाँ, ये लो ऊपर ऊपर का तरा दे नहर के ट्यूब बांध देगा, किसा मौसम हो रहा है ना, कति कित कति तेज धूप कित कति बादल, और बंदर वहां देखेंगे, और बंदर तो गए आगे आएंगे तो देखना। हाँ पैक करवा लेंगे फिर घर चाय के साथ खा लेंगे ना, मौसम भी आज तो हो रहा है, चाय पकौड़ा का है, मौसम होगा खराब देगी भी एकदम, हाँ है ना, पैक करा लियो। हाँ पैक करा लो, प्यास लगी इसको, वो चीज खा के पकोड़े लिए थे ना यहीं से, ये यहाँ से पकोड़े लिए थे और घर जाने के लिए खड़े थे, गाड़ी ये खड़ी, पानी पीने का तरीका है रही हो उसको पीना थोड़ी ना आता है, बच्चा है वो, पिला दो पी रहा है, ठीक है पिला दो। सोनीपत पहुंच गए यार, जाम लगाओ, ये रोड बना है ना साइड वाला ना, इसकी वजह से लगा हुआ है जाम, पतला सा है भीड़ा सा है रोड, हो गई दोनों साइड आवे जावे, वन वे हो गया, अभी पूरा सिटी के अंदर तो ही पाओगा, आगे तो दूर थी और बाईपास से जाम पाओगा। घर पहुंच गए भी, और घर पहुंचते पहुंचते बारिश आई गई है, देखो अभी हल्की हल्की शुरू हुई है पर मौसम इतना खराब है कि काफी तेज बारिश आनी है, और पता नहीं भाई आएगी नहीं आएगी, ये अपने टॉयज ले आया सारे लेके खड़ा है यहाँ पे। हाँ हाँ ठीक है, सेल इसमें नहीं डलेंगे बेटू, सेल इसमें डल नहीं रहे येलो वाले में, इसके सेल ला देना भाई, कह रहा है येलो वाले बंदे में ना सेल डाल देना।
लो भी, बारिश आवाज से भी पता चल रहा होगा कि कितनी तेज बारिश आ गई, आवाज ही इतनी तेज आ रही है। ये देखो काफी तेज बारिश आ गई और ऐसा लग रहा है कि रुकने वाला नहीं है दो दिन तक, इतनी तेज बारिश है। ओले भाई ले भाई रे, पार्क भी धोला हो गया है, देखो तरीक है यार, गाड़ी खड़ी है, बगन हो गया भाई रे, सब चम तोड़ा मेरी है, उतार दिया भाई, देखो रे खत्म से उतर गया रे, ला भाई देखो सब जम दौड़ा, क्या हाल हो रहा, देख क्यों कर बेचारी रे, बगन खा दिया आराम जी ने भी, समा जो लगी उसके नीचे, सारी पेड़े के नीचे खड़ी होगी है ना। अरे भाई कति ओले ओले बरसन लाग रहे, देख देख सब क्यों दौड़ा कर दिया। हाँ जी बेटू बेटू बाहर नहीं जाना, बिल्कुल भी नो बाहर नहीं जाना, नो सिर में लग जाएंगे। तो गाड़ी के ऊपर इकट्ठे हो गए भाई, देखो अंत हो गया रे हमारा, पार्क देख लो भाई, धोला बना दिया राम जिया ने, कौन सी छतरी लेके आया है, रिश्ता क्या हो जाएगा बेटा, देख दियो भाई कति धोला बना दिया राम ने तो जमा। ओले ज्यादा बारिश कम है या सब गम, मनाली बना दिया, स्नो फॉल होने लग रही है, छतरी टूट गई, ओले ने छतरी तोड़ दी भाई, इतने किसूते पड़ने लग रहे हैं। राम जी ने भी कभी चाला पाट दिया भाई, गेहूं आ गई तो कती सीधी सी करके धर दी होगी, और देखो फिर मौसम हो लिया, सूरज भी लिख रहा है पीछे, जूम तो ठाडा है देखिए ना, सारे का पेड़ है पत्ते देख किसे कर दिए तोड़ के, देख गंजे बना दिए पेड़, मिलते हैं भाई थोड़ी देर बाद। क्या